अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हफीज़ और आप देख रहे हैं गुलाब डिजिटल एटीवी। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जी हां भाई, जीमेल की आईडी कैसे बनाते हैं। आईडी अकाउंट एक ही चीज़ होता है। आइए हम सीखते हैं जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग पे ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग में जाकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपके मोबाइल का अगर फ्यूचर अलग से हो तो आपको वो फ्यूचर जो ये सेटिंग में आ रहा है अकाउंट्स का फ्यूचर, ये मौजूद होगा, लाजमी होगा, क्योंकि हर मोबाइल के अंदर ये फ्यूचर होता है। और इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें ऐड अकाउंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे फ्यूचर दिखाई देते हैं, ऐड वगैरह, तो हमें इनको छोड़कर सीधा ही डायरेक्टली गूगल पर क्लिक करना है। और गूगल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एड का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारा इंटरनेट जो है वो मेरे घर में होता तो सॉरी इसके लिए, तो हमने इंटरनेट जो है प्ले कर दिया। अभी जो है हमें दोबारा अकाउंट्स पे क्लिक करना है और दोबारा ही गूगल पर जाना है। आपके मोबाइल में जो पासवर्ड लगाया हुआ आपने, जो भी लगाया हुआ वो ही खोलें। और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ आ पाए और आप आईडी बनाना सीख जाएं। उसके बाद दोस्तों यहां पर और क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर OR क्रिएट ए न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर आपसे ये मांग रहा है फर्स्ट नेम, तो हमें आपको एग्जांपल तौर पर बताने के लिए, दिखाने के लिए कि आईडी कैसे बनती है, इसलिए हमने कोई नेम वेम नहीं डाला। हमने बस यहाँ पर लिस्ट में जाना है, फर्स्ट में जाना है जी और लिस्ट में जाना है भाई। अगर आप बना रहे हैं अपने नाम की आईडी तो अपना नाम जो है फर्स्ट नेम पर फर्स्ट नेम दें और लिस्ट नेम पर लिस्ट नेम दें। आप किसी एरा वगैरह वाला नाम नहीं डालें, अपना डालें ताकि आपका जीमेल का अकाउंट कभी बंद ना हो पाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पर हमें डेट बर्थ जो है देना है। जैसे कोई भी हम लगा देते हैं, अगर आपके पास CNIC कार्ड है तो आप CNIC कार्ड को अपने पास रखकर उसी की डेट बर्थ जो है यहाँ पर दर्ज कर दें, वरना आप CNIC के बगैर भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो एरर सा दिखाई दे रहा है, एरर पे क्लिक करना है और यहाँ पर उनको बताना है कि हम मेल की आईडी बना रहे हैं या फीमेल की बना रहे हैं। और आप अगर मेल हैं तो मेल पर क्लिक करें, फीमेल हैं तो फीमेल पर क्लिक करें। फिलहाल हम मेल की आईडी बना रहे हैं तो हम मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमें यूज़र नेम मांगा जा रहा है। यूज़र नेम का मतलब यही है कि जो हमने लिस्ट पे और फर्स्ट में लिस्ट में दिया था वही यूज़र नेम यहाँ पर दर्ज करना है, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाना है। अगर अपनी तरफ से बनाना है तो हम यहाँ पर कोई अपना यूज़र नेम, मतलब लोगों को दिखाने के लिए जो लोगों के पास जाकर शो हो, वो अलग से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको वही नेम बनाएंगे जो हमने फर्स्ट में और लिस्ट में दिया था। और उसके बाद हमें कोई नंबर बनाना है, कोई ऐसा नंबर बनाना है जो कि किसी की आईडी को आज तक ना मिला हो, और हमें अपनी तरफ से कोई सोच कर अच्छा सा नंबर बनाना है। अच्छा सा नंबर ये है कि ये वाला नंबर किसी ने नहीं लगाया होगा। अगर आपके पास 8 जो 8 का ए है ये ना आ रहा हो तो आप लिख लेना और gmail.com भी लिख लेना, मेहरबानी होगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह ही आप अपनी आईडी मुकम्मल कर सकते हैं। अगर ये नंबर किसी को मिला है तो ये एरर हो जाएगा, अगर नहीं मिला है तो ये पास हो जाएगा।
अभी देख ले दोस्तों, ये जो है किसी को मिला है नंबर, तो यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गूगल ने हमें कुछ तीन जो है हमें नंबर दिए हैं, जो वो कह रहा है गूगल कि आप इनमें से कोई चूज़ कर लें, और हम 7270 वाले नंबर को चूज़ कर देते हैं। आपके पास भी इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, वो आप घबराए मत। उसके बाद आपने क्रिएट पासवर्ड, जो अच्छा सा पासवर्ड आपको जो भी अच्छा मिले वो आप लगा दें। 8 अंकों से कम वाला कोड नहीं बनाएं, क्योंकि 8 अंकों से कम वाला कोड बनाएंगे तो वो एरर हो जाएगा। मैंने तो आपको सिर्फ बताने के लिए ये 8 अंकों का कोड दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप अपना कोई कोड बनाएं तो अच्छा सा बनाएं, ताकि कोई खोल ना पाए। उसके बाद नेक्स्ट है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला कोड किसी ने बनाया हुआ है, तो ये गलत है। अभी हम अलग से कोई चुनकर कोड बनाएंगे, 8877, और 8877 5 6, और वही वाला कोड हमने नीचे ही देना है, 8877 5 6। याद रहे, जो कोड हमने पहले नंबर पर दिया है क्रिएट पासवर्ड पर, वहाँ पर आपने जो कोड दिया है कन्फर्म पासवर्ड पर भी वही कोड सेम वही लगाना है, उसके बाद आप पास हो पाएंगे। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मांग रहा है फ़ोन नंबर, और अपना जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है इस एरर के बीच यहाँ पर। और फिलहाल हम ये नंबर दर्ज नहीं करना चाहते, हमें स्किप पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें ये नंबर दर्ज करने की, हमें कोई आईडी बनाने का मतलब इरादा नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। और मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से सीख चुके होंगे। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नंबर आपको देना है, और उसके बाद